तरह पार्टनरशिप लगी हुई थी, अभी फादी भाई आए थे मेरे साथ, तो बहुत अच्छा पिच है। और जिस तरीके से मैं जा रहा था तो इंतज़ार था कि वहाँ पर बॉलिंग कर रहे थे एक साइड से, तो बस उन्हें सर्वाइव करना था कि फर्स्ट टाइम उन्हें सर्वाइव कर ले। तो बाकी जो जिस तरह से बॉलिंग हो रही थी तो बिल्कुल हमारे म्यार पे हो रही थी, जो हम चाह रहे थे उस तरह से बॉलिंग हो रही थी। तो फादी भाई के साथ एक पार्टनरशिप लगती है हमारी 80-90 रन की, तो हम मैच के और करीब हो जाते। बस लास्ट मैच है राउंड का, तो पता चलेगा कि अब सिंध के मैच और केपीके के मैच में क्या सिचुएशन बनती है। अगर केपीके ने अगला मैच जीत लिया तो ऑलमोस्ट हम थ्रू कर जाएंगे फाइनल के लिए, तो लेकिन हमें फिर भी हमें अगला मैच जीतना है, उसी मोमेंटम पे लेके चलेंगे कि इंशाल्लाह अगला मैच जीतेंगे। तो ऑफ हमारी टीम बहुत बैलेंस्ड साइड है, तो इंशाल्लाह हम फाइनल में इंशाल्लाह आराम से पहुँचेंगे। मैं ऑलमोस्ट मेरी सारी लाइफ रावलपिंडी स्टेडियम में खेलते गुजर रही है, बेसिक तो मैं चकवाल से हूँ, तो लेकिन मेरा होम ग्राउंड है यहाँ पे, पूरे पाकिस्तान में मशहूर है कि जहाँ की जो पिचेज़ होती हैं वनडे के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त T20 की पिचेज़ होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं किसी मैच में भी 300 से कम रन नहीं हुए, और अगर आज भी हमारी थोड़ी पार्टनरशिप लगती तो 360 भी चेज हो जाता। तो यहाँ पर अच्छी पिचेज़ है, ग्राउंड बहुत अच्छा आता है, तो ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे खेल।